हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम एंड्रॉइड 11 पैनल के अंदर हम व्हाइट बोर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं। ये एंड्रॉइड 11 के अंदर व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हमें यहाँ पे पेन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम अलग अलग साइजेस ले सकते हैं, यहाँ से कलर ले सकते हैं। अगर हमें मल्टी कलर लेना है तो यहाँ से हम अलग कोई भी टाइप का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे डायरेक्टली राइटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको डायरेक्ट इरेजर का ऑप्शन है। अगर आप पाम इरेज करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्टली पाम इरेज भी हो जाएगा। यहाँ पे इरेजर का भी ऑप्शन है, आप इरेजर सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर पेज क्लियर करना है तो डायरेक्टली यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप इसको सिंगल टच में अगर रखते हैं तो आपने जो भी कुछ लिखा है तो आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पे अगर आप मल्टी टच पर रखते हैं तो अप टू 20 टच आप इसमें राइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करेंगे यहाँ पे तो मेन्यू की, तो यहाँ पे आपको सेव करने का ऑप्शन है। उसके बाद में आप मेल का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सेटिंग में अगर देखेंगे यहाँ पे तो ड्यूअल पेन मोड ऑप्शन है, स्टैंडर्ड मोड और ड्यूअल पेन। यहाँ पे हम दो टाइप के पेन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ड्यूअल पेन में अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल टिप अलग कलर में यूज़ करेगा और ये बड़ा वाला टिप अलग कलर में यूज़ करेगा। उसके बाद में फिंगर वाइप का भी ऑप्शन है, वाइप वाइल राइटिंग का भी इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद में अगर टूल्स की बात करेंगे तो टूल्स के अंदर आपको राउंडर मिलता है, प्रोटेक्टर मिलता है, रूलर्स मिलते हैं। इस तरीके से हम इसके अंदर सर्कल बना सकते हैं।